लेट्स गो टू साउथ गोवा। तो ये है हमारा सेकंड डे जब हमने अपनी राइड स्टार्ट करी। सबसे पहले हमने अपना टेम्पो ट्रैवलर बुक कराया जो कि हमें पड़ा 3500 ऑफकोर्स बार्गनिंग के बाद। उसके और एक और बात, अगर आप दो जने हो फैमिली में तो आप गोवा में कहीं भी घूमने के लिए स्कूटी हायर कर सकते हो जो कि आपको पड़ेगी 300 पर डे। और अगर आप फैमिली में थोड़ा बिग साइज़ है लाइक 3 और 4 पर्सन तो आप कार भी बुक कर सकते हो जिसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 1200 ऑफकोर्स, वो भी बार्गनिंग के बाद। तो दोस्तों करो इन्जॉय पूरी राइड का। तो डे स्टार्ट किया हमने अपनी डॉल्फिन राइड से जिसमें हमने कम से कम 1.5 घंटा बिताया जिसमें हमने 4 स्पॉट देखे पूरे सी के अंदर। और हाँ दोस्तों, जब भी आप ये राइड इंजॉय करो तो प्लीज़ लाइफ जैकेट पहन लेना। हमने ये गलती करी, हमने मिड ऑफ द वे लाइफ जैकेटें पहनी फिर हमने इंजॉय करा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं डॉल्फिन पॉइंट। डॉल्फिन पॉइंट में बता रहे हैं कि कुछ अंदर जाके 5 पॉइंट देखेंगे और 5 पॉइंट में ये 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम हैं कोको बीच पे जहाँ पे डॉल्फिन राइड अभी होगी, वही मैंने आपको बताया था 300 पर हेड पड़ेगा आपको। तो वो नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारा इस तरह है। कोई बात नहीं बेटे, ये देखो नज़ारा पीछे, शायद कैमरा जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है बट यार ऑसम व्यू है, ऑसम व्यू, मज़ा आ गया देख के। मैं थोड़ा और आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, ऑसम। तो दोस्तों बोर्ड पे बैठ गए हैं और अपनी राइड स्टार्ट होने वाली है, डॉल्फिन राइड कहते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चे लोग एंजॉय हो रहा है, राइड स्टार्ट होने वाली है, छोड़ दिया और ये हम चल दिए। अरे कुछ नहीं है, हेलो बहुत ही बढ़िया नज़ारा हर तरफ से, क्या बात है, क्या राइड है, जबरदस्त। नहीं ये मोड़ रहा है, अच्छा टेढ़ी नहीं हो रही, हाँ मुड़ रही है, चल नहीं रही है। मिस्टर कमल जो है ये बहुत खतरनाक बातें करते हैं पानी के अंदर आके, ये कह रहे हैं कि हम पानी के अंदर जाएंगे क्या, अब बताओ जी। और मिस्टर रमन एंजॉयिंग, यस फुल एंजॉय, चलो बढ़िया, एंजॉय तो होना चाहिए यार लाइफ में। दोस्तों भैया ने जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे एक डॉल्फिन दिखी, हम वही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई डॉल्फिन दिख जाए, यहाँ पे ये सारी देखो बोट्स हैं आसपास, सब डॉल्फिन देखने के लिए आए हैं। और लहरें पूछो ही मत भाई साहब, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, बहुत ही पानी उफान पर है इस टाइम, कैमरे में पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत ज़्यादा उफान पे है, सबकी सेंसिटिविटी कूल है लेकिन सब इंजॉय भी कर रहे हैं। जसमीत यही है, वो इसी ने पैसे खर्चवाए हैं, यही है। वो अमन बैठ जा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ उसने दर्शन दे दिए ना फिर हम डर जाएंगे सर। पूरे दर्शन दे दिए तो
अलग ही सिस्टम है। ये राइड करना बनता है, पैसा वसूल राइड है, डॉल्फिन जरूर देखेगी। कैमरे में नहीं देख पा रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हो? बहुत बार देख ली, शोर मत मचाओ भैया, ऐसा है आप वापस ले चलो। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है अंग्रेजों की बनाई हुई जेल जो कि गोवा में है, और ये काफ़ी पानी के अंदर जा चुकी है, तो इसकी बहुत बुरी हालत है इस टाइम। गाड़ी लेके बोट लेके यहाँ से कैसे जाओगे? सीधा देख लो, फ्लाइंग गियर लगवा लो। दोस्तों राइड हो गई है, काफी इंजॉयबल राइड थी। हाँ, थोड़ी डरावनी भी थी, अंदर जाके काफ़ी लहरें थी और हमारी नाव छोटी थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ओवरऑल ओके। चलते अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो 11 बजे हमने अपनी अपना डे स्टार्ट किया था, तो अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि पहली विजिट के बाद हमें कम से कम वहाँ पे 1.5 घंटा लग गया, तो उसके बाद हमें बहुत तेज भूख लग गई। तो दोस्तों लंच टाइम स्टार्ट हो गया, सारे बैठ गए सीटिंग ले लेते हैं, सब ऑर्डर कर रहे हैं अपना अपना। क्या ऑर्डर हो रहा है? तंदूरी चिकन, अफगानी चिकन, ओह माय गॉड, और वो चिकन महाराजा, दैट्स इट। जो आ रहे हैं हालांकि भाई अड़ा के कम का आदमी की मतलब। हां जी, भूख लगी है बहुत ज्यादा। करो फिर ऑर्डर फटाफट। जैसे भूख लगी है, हाँ जी, क्या कह रहे हो? चौमिन खाते ना, नूडल्स खा लो। क्या कह रहे हो? भूख लगी है, फटाफट। अरे इनके करो, ये है चिकन नूडल्स, चिकन नूडल्स। हाँ बड़ी है। तो दोस्तों आफ्टर लंच हम पहुंच गए हैं ओल्ड चर्च, गोवा की सबसे पुरानी चर्च है ये। चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये भी हमारी विजिट का हिस्सा है, इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो Yeah.
क्या हो रहा है? परेशान गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एक्चुअली, गर्मी कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसका पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं पीने की बात है। जैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घूमी कर रहा है, घूमी तो उसके बाद हम चल रही है वो जगह देखने जाते हैं, जब वो शूटिंग हुई थी वहाँ पूरा एरिया खाली था, लेकिन जब हम गए तो वहाँ पूरा पूरा बाजार लगा हुआ था, बिल्कुल भी व्यू नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दोनापोला, जो कि बड़ी फेमस जगह है। द रीज़न बिहाइंड इस, आपने देखा होगा सिंघम के शॉट में एक, जहां वो खंभा उखाड़ता है, और बेटे वो जगह बस हम वही देखने जा रहे हैं। हाँ वो अभी दिखाते हैं। तो वहां शूटिंग हुई थी सिंघम की, चाहे फाइट सीन पूरा शूट हुआ था, तो वही देखने चल रहे हैं। देखो क्या हिसाब किताब है, कितना मज़ा आता है वहाँ। और उसके बाद जाएंगे हम बीच, जो कि साउथ में सबसे बेस्ट बीच कहा जाता है। चलो दोस्तों उसका नाम भी बताता हूँ आपको। कह रहे गाड़ी को नहीं लेके आए यहाँ पे, पहले क्या कह रहे थे, मौसम क्या हो गया? ठीक ठाक है मौसम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी कह रहा था बहुत बढ़िया हो गया मौसम। हाँ गाड़ी बहुत दूर है। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट जहाँ पे सिंघम की शूटिंग हुई थी, थोड़ा सा आगे जाके वो प्लेटफॉर्म से दिख जाता है। तो दोस्तों यही वो एरिया है जहाँ पे सिंघम की शूटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पूरी मार्केट लग रखी है। उस टाइम पूरा खाली था जब शूटिंग हुई थी, तो ऐसा ही कुछ माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वही ब्रिज है। क्यों जी पहचान में नहीं आ रहा, ये वही वाला ब्रिज है ना? पर है ये वही है, ये वही। सिंघम शूटिंग पॉइंट देखने के बाद अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरा का पूरा बीच के ऊपर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवल मंत्रा विद मनी एंड लाइक द वीडियो। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।